ये सारे मॉडल्स जो हैं ऑयल मशीन के हमारे पास कमर्शियली यूज के लिए। ये मशीन भी हमारी है, ये मशीन हमारी पीनट बटर के लिए। इस मशीन में आप किसी भी तरह का बटर या फिर ब्रेड ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी तरह की पैकेजिंग कर सकते हैं, 100 ग्राम से लेके 2000 ग्राम तक। यहाँ पे हमें ये जालियाँ लगानी होती हैं, इनमें सभी जालियों पे नंबर मेंशन दिए जाते हैं और ये कंप्लीट जालियां हमारी फ्रेमिंग वाली होती हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल दबा दीजिए और नीचे कमेंट करके आप अपने बारे में या फिर आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो उसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइए। जी सर, ये हमारे पास डोमेस्टिक यूज के लिए ऑयल प्रेस मशीन है। इन मशीनों में आप सभी तरह के सीड्स का ऑयल निकाल सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है इसको ऑपरेट करने का। सबसे पहले हमें मशीन का प्लग लगाना होता है। हमने मशीन का प्लग लगाया, प्लग लगा के इस मशीन का स्विच ऑन किया। उसके बाद हमें इसमें पीछे से हीटिंग ऑन करनी होती है। हमने हीटिंग ऑन करी, हमें 10 से 15 मिनट तक इसमें हीटिंग करनी होती है। हीटिंग होने के बाद हमें इस मशीन में पीछे स्क्वीजिंग ऑन करनी होती है। हमने स्क्वीजिंग ऑन कर दी, ऑयल निकल रहा है। ये यहाँ से इस मशीन की खली आ रही है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता। सिंगल प्रेस में सभी तरह के सीड्स का ऑयल निकल जाते हैं और यहाँ से इसका ऑयल आता है। आप देख लीजिए, यहाँ से ऑयल आ रहा है। ऑयल निकालने के बाद हमें 10 से 15 सेकंड तक इसमें क्लीनअप करना होता है। इसके पीछे स्विच दिया जाता है, उस पर क्लीनअप लिखा होता है। हमने क्लीनअप ऑन करा, 10 से 15 सेकंड हमने क्लीनअप करा। उसके बाद हमें इसको ओपन करना है। ये रॉड शेल है, इसको हमें खोल कर इस रॉड शेल को निकाल कर इसके साथ कंप्लीट ग्लव्स और ब्रश दिए जाते हैं। उससे हम इसकी क्लीनिंग करके या फिर आप इसको गुनगुने पानी में वॉश करके इसको ईजली इसके अंदर लगा सकते हैं। हमने इसके अंदर लगा दिया। उसके बाद हमें जैसे इसमें सरसों बादाम वगैरह का तेल निकालना है तो सेम प्रोसेस है। इसको हम दोबारा उसी तरह से ऑपरेट करके इसमें ऑयल निकाल सकते हैं। और इसमें हमारे पास अलग अलग मॉडल्स आते हैं। 600 वॉट मॉडल है, 700 वॉट मॉडल है, 800 वॉट मॉडल है, सारे ही अलग अलग मॉडल्स हैं। प्राइस सर, इन मशीनों में मशीन की जो स्टार्टिंग रेंज है प्राइस की 24,000 से लेके 24,500 से मॉडल से लेके 34,500 तक के मॉडल्स हैं हमारे पास डोमेस्टिक यूज़ के लिए ऑयल मशीन। सर, ये सारे मॉडल्स जो हैं ऑयल मशीन के हमारे पास कमर्शियली यूज़ के लिए। कमर्शियली यूज़ के लिए ऑयल मशीन में हमारे पास 4 मॉडल आते हैं। 1 घंटे की 8 से 10 केजी कैपेसिटी वाला मॉडल भी है हमारे पास। 15 से 20 केजी कैपेसिटी वाला मॉडल भी है हमारे पास। 25 से 30 केजी कैपेसिटी वाला मॉडल भी है। 40 से 45 केजी कैपेसिटी वाला मॉडल भी है। और कमर्शियली यूज़ के लिए जो ऑयल मशीन के स्टार्टिंग रेंज है हमारे पास 75,500 से लेके 2,75,000 तक के मॉडल्स हैं सारे ही। और सारी ही मशीनें हमारी सिंगल प्रेस की हैं। सेम प्रोसेस है, इस मशीन में कुछ भी नहीं करना होता आपको। बस मशीन का प्लग लगाकर अलग अलग सीड्स के लिए टेम्परेचर सेट करने के बाद सीड्स डाल के हम उसका ऑयल निकाल सकते हैं। क्लीनिंग का प्रोसेस इसमें बहुत ज़्यादा ईजी है। ऑयल निकालने के बाद बस आपको ये रॉड से निकाल कर ये क्लीन करना होता है। इसको हमें क्लीन कर उसके बाद दोबारा इस मशीन में इसी तरह से सेट करना होता है। ये मशीन हमारी कंप्लीट 1500 वॉट की है। इस मशीन का प्राइस है 75,500 रुपये। उसके बाद हमारा सेकंड मॉडल है ऑयल मशीन का। ये मॉडल है, ये कंप्लीट मशीन हमारी 2000 वॉट की है। इस मशीन की कैपेसिटी 1 घंटे की 15 से 20 केजी है। इस मशीन का प्राइस है 1,25,000 रुपये। उसके बाद हमारा ये तीसरा मॉडल है ऑयल मशीन का। ये मॉडल हमारा कंप्लीट 3600 वॉट का मॉडल है। इस मशीन का प्राइस 1,75,000 रुपये है। उसके बाद हमारा ये फोर्थ मॉडल है ऑयल मशीन का। इस मशीन का जो प्राइस है 2,75,000 रुपये है। ये कंप्लीट मशीन 4400 वॉट की है। इस मशीन की 1 घंटे की कैपेसिटी 40 से 45 केजी है। ये मशीन भी हमारी है। ये मशीन हमारी पीनट बटर के लिए। इस मशीन में आप किसी भी तरह का बटर या फिर ब्रेड ग्राइंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये कमर्शियली यूज़ के लिए प्रीमियम पल्वराइजर है, जिसमें आप इसमें हमारा 1 HP से लेकर 10 HP तक के मॉडल्स आते हैं। कमर्शियल यूज़ के लिए मशीन की जो स्टार्टिंग रेंज है हमारी 27,500 से लेके 1,45,000 तक के मॉडल्स आते हैं इसके अंदर। और मल्टीपर्पज़ होती हैं ये सारी मशीनें। इसमें आप कोई भी सूखे अनाज, सूखे मसाले, जड़ी बूटियाँ वगैरह आप इसमें इजली ग्राइंड कर सकते हैं। कुछ भी इसमें भी इसको ऑपरेट करने का फीचर भी बहुत ज़्यादा ईजी है। हमें हॉपर में अनाज डालना होता है मोटा बारीक करने के लिए। ये चैम्बर है, यहाँ पर हमें ये जालियाँ लगानी होती हैं। इनमें सभी जालियों पे नंबर मेंशन दिए जाते हैं और ये कंप्लीट जालियाँ हमारी फ्रेमिंग वाली होती हैं। टोटल इस मशीन में आप अगर मैश बनाना चाहते हैं
तो 10 से 15 तरह के मैश बना सकते हैं आप इन 7 तरीकों की जालियों से। जालियां हमें चैम्बर के अंदर सेट करनी होती हैं। इस मशीन के नीचे एक क्लोथ बैग दिया जाता है जो हमें यहाँ पे लगाना होता है। हॉपर में अनाज डालना होता है। एम्पियर मीटर के हिसाब से हमें इसमें गल्ला खोल के मशीन को स्टार्ट करना होता है। ये हमारा 2-in-1 मॉडल है। इसमें आगे से एक हॉपर भी दिया जाता है जिसमें आप आगे से हॉपर में मसाले वगैरह डाल के, जैसे हल्दी वगैरह वो डाल के आप इजली पीस सकते हैं। उसके बाद ये हमारा कमर्शियली यूज़ के लिए मल्टीपर्पज़ पल्वलाइज़र है। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है, हमें जालियाँ दी जाती हैं मोटा बारीक अनाज पीसने के लिए। ये हमारा 5 HP मल्टीपर्पज़ सिंगल फेस मॉडल है। उसके बाद ये हमारा 10 HP का पल्वलाइज़र है, ये भी मल्टीपर्पज़ है। इसमें भी आप सभी तरह की ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 फेस का कनेक्शन चाहिए होता है इसको, और इस मशीन में भी आप कोई भी सूखे अनाज मसाले वगैरह पीस सकते हैं। और ये हमारी पैकेजिंग मशीन है, मशीन में आप किसी भी तरह की पैकेजिंग कर सकते हैं 100 ग्राम से लेके 2000 ग्राम तक की। उसके बाद ये भी हमारा कमर्शियली उसके लिए पल्वलाइज़र है, ये हमारा 2 HP मॉडल है। उसके बाद ये भी 2-in-1 2 HP पल्वलाइज़र है हमारा। ये मिनी मसाला ग्राइंडर है, इसमें ये हाई स्पीड मसाला ग्राइंडर है। इसमें भी आप सभी तरह के मसाले जड़ी बूटियाँ वगैरह ईजिली पीस सकते हैं। उसके बाद ये ग्रेवी बनाने के लिए वेट ग्राइंडिंग मशीनें हैं, इसमें आप सभी तरह की ग्रेवी वगैरह बना सकते हैं, प्याज की, टमाटर की प्यूरी वगैरह ईजिली बना सकते हैं। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट स्लाइसर है हमारा, इसमें आप किसी भी तरह के फ्रूट ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उसकी आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं, और चिप्स वगैरह जैसे स्वीट्स वगैरह में डालने के लिए होते हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं। टेबल टॉप आटा चक्की है, इसमें आपको स्टोन्स दिए जाते हैं, स्टोन से ग्राइंडिंग होती है। 1 HP की मोटर होती है इसके अंदर, और हॉपर में हमें अनाज डालना होता है। इसके अंदर ये हैंडल है, हैंडल से हमें सेटिंग करनी होती है मोटा बारीक अनाज पीसने के लिए, और यहाँ से इसमें ग्राइंड होके ग्रेन्स आते हैं। ये हमारा ROV डिस्पेंसर है, इसमें हमें डायरेक्ट टैप से कनेक्शन करना होता है। 10 लीटर में है ये पानी, आपका डायरेक्ट फिल्टर होके आता है। उसके बाद ये भी कमर्शियल मिक्सर ग्राइंडर है, इसमें किसी भी तरह की आप वेट ग्राइंडिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे केटर्स वगैरह के यूज़ के लिए चाहिए होती है चटनी वगैरह बनाने के लिए, तो ये मशीन उस यूज़ में आती है। उसके बाद ये हमारा वेजिटेबल कटिंग मशीन है, आपको कटिंग, चॉपिंग, डाइसिंग वगैरह जो भी करनी होती है तो उसके लिए इसमें ब्लेड्स दिए जाते हैं आपको, आप इसमें सभी तरह की कटिंग वगैरह कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद ये हमारी डोमेस्टिक आटा चक्की है घरेलू यूज़ के लिए, इसको भी हम ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। हमें सबसे पहले हॉपर में अनाज डालना होता है। ये इस मशीन का ग्राइंडिंग चैम्बर है, इसके अंदर हमें जालियाँ लगानी होती हैं। इसमें भी सभी जालियों पे नंबर मेंशन होते हैं, जाली लगा के हमें ये चैम्बर बंद करना होता है, मशीन का प्लग लगा के मशीन को ऑन करना होता है। मशीन में हमने अनाज डाल दिया, स्विच लगा दिया, ऑन कर दिया, ये मशीन चल रही है। चलती हुई मशीन का अगर कोई बच्चा दरवाज़ा भी खोलता है तो भी ये मशीन अपने आप बंद हो जाती है। ऑटो क्लीन फीचर भी इस मशीन के अंदर होता है, अनाज पिस के ये मशीन 2 से 2.5 मिनट खाली चल के ऑटो क्लीन होके बंद हो जाती है। और अगर इस मशीन को आप एग्जीबिशन से परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 बेनिफिट होते हैं, डिस्काउंट अच्छा मिलता है और मोटर की आपको 5 साल की गारंटी दी जाती है। मैडम जी, एक क्वेश्चन और भी करना चाहता हूँ, जैसे कि एग्जीबिशन लगा हुआ है तो इसके लिए क्या हमारे कस्टमर जो हमारे व्यूअर्स है उसके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट है? बिल्कुल डिस्काउंट होता है सर, ये हमारा ट्रेड फेयर लगा हुआ है प्रगति मैदान में, हॉल नंबर 11 में लगा हुआ है। अगर आप एग्जीबिशन से मशीन परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है, मेले का जो ऑफर होता है। ओके, तो उसके बाद भी अगर कोई ऑनलाइन मशीन परचेज करना चाहता है और कहाँ कहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं आप? सर, हमारी ये मशीनें जो हर स्टेट में जाती है, हर कंट्रीज में जाती है, ये मशीनें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई भी करते हैं। ओके दोस्तों, कैसा लगा आज का बिजनेस आइडिया? अगर आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए बिजनेस आइडिया में, किसी नई वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।